अभी हाल ही में हमने और आपने देखा था कि सड़कों पर से जितने भी डिवाइडर थे या जितने भी पुलिस के बैरिकेटिंग करने के लिए ये बैरियर थे, ये सारे ही हटा दिए गए थे। लेकिन आज 30 अगस्त है और ये बैरियर हमें दोबारा नज़र आने लगे हैं। दिल्ली की अलग अलग सड़कों पे, अलग अलग जगहों पे ये बैरियर हमें दोबारा दिखने लगे हैं। और जिस तरीके से हम ये देखें कि जो पुलिस मुस्तैद होती थी जब लॉकडाउन की शुरुआत थी या लॉकडाउन लगने वाला था, उसी तरीके से अब दिल्ली में दोबारा चौराहों पर या ऐसी सड़कों पर पुलिस मुस्तैद आने लगी है। वायर को साथ में पकड़ो, उसी तरीके से पुलिस मुस्तैद आने लगी है। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ देखिए, कैमरामैन से कहूँगा कि इतने यहाँ पे बैरियर लगे हैं और ये जो बैरियर हैं ये दोबारा एक बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संभव है कि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की संभावना है। ये जिस तरीके से आप ये इधर देख रहे हैं, यहाँ पर सारी जगह रास्तों को रोकने के लिए जो बैरियर होते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और वहीं मैं इस तरफ दिखाऊंगा कि यहाँ पर भी पुलिस के बैरियर हैं। ये जो मेरे पीछे से रास्ता आता है, ये रास्ता बाराखंबा रोड से होता हुआ सीधा तुर्कमान गेट पुरानी दिल्ली पहुँचता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तादाद के अंदर यहाँ पर बैरियर हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ से दिखाएँ कि जिस तरीके से ये बैरियर लगे हुए हैं, ये एक बार दोबारा आशंका पैदा कर रहे हैं कि हो सकता है कि लॉकडाउन लगने की दोबारा से संभावना हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि पक्का लॉकडाउन लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरी लहर की तैयारी जो है वो पुलिस ने कर दी है। हर जगह हर सड़क के ऊपर आपको इसी तरीके से बैरियर लगे हुए मिल जाएंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद तकी के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से।